उन्नत भारत अभियान द्वारा आईआईटी दिल्ली में दो दिवसीय उन्नति महोत्सव और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के शिक्षण संस्थानों ने अपने नवाचारों को प्रदर्शित किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उन्नत भारत अभियान के तहत देशभर के कॉलेज गांवों के विकास के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। अब तक 3,471 उच्च शिक्षण संस्थान इस अभियान से जुड़ चुके हैं। अधिकांश छात्र गणित को एक कठिन विषय के तौर पर देखते हैं और गणित की पढ़ाई को लेकर उनमें स्वाभाविक तौर पर भय होता है। छात्रों को खेल खेल में रोचक तरीके से गणित सिखाने के मकसद से आईआईटी जोधपुर के पूर्व छात्र विवेक साहू ने गणित लैब तैयार किया है। इस लैब के जरिए कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को गणित के कठिन कॉन्सेप्ट्स को बेहद रोचक तरीके से समझाया जाता है। मैथ्स के बहुत जो कठिन कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने आप खेल खेल में सीख जाएगा और इंटरेस्टिंग वे में, और यहाँ तक कि इनसे सीख करके वो रियल लाइफ में भी मैथमेटिक्स को देख पाएगा। अगर रियल लाइफ में मैथमेटिक्स को अगर स्टूडेंट देख पाता है तो अपने आप वो मैथमेटिक्स का भय उनसे दूर हो जाएगा और उनकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो जो बच्चों के मन में एक भय रहता है कि टेंथ के बाद वो मैथ्स को छोड़ देते हैं, तो वो मैथ्स को आगे लेंगे और इंडिया के ग्रोथ में भी बहुत हेल्प होगा। आईआईटी दिल्ली में आयोजित हुए उन्नति महोत्सव में विवेक जैसे कई शोधकर्ताओं ने अपने नवाचारों को प्रदर्शित किया। उन्नत भारत अभियान द्वारा आयोजित किए गए उन्नति महोत्सव में देश के अलग अलग कॉलेजों की 83 तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। इनमें घरेलू बायोगैस प्लांट, तुलसी की माला बनाने की मशीन, सस्ती और इको फ्रेंडली तकनीक से सैनिटरी पैड का निर्माण, बायोगैस से चलने वाले दोपहिया वाहन और पुरानी साइकिल को ई साइकिल में बदलने जैसी तकनीकें भी शामिल थी। हम यहाँ पर लेकर आए हैं डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट, जिसमें एक किसान के घर पे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे कैसे बायोगैस प्रोड्यूस करके उसकी ऊर्जा से संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, और उसे खुले में जब उसका विघटन के लिए जब छोड़ते हैं खाद बनाने के लिए, तो जो मीथेन उससे रिलीज होती है और जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है उसे कैसे बचाव किया जा सकता है। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका मकसद शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण विकास में योगदान देना और गाँव की समस्याओं को दूर करना है। जो पूरे देश भर की कॉलेजेज हैं वो अपने आसपास के 5 गाँव को लेती हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करती हैं, तो उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी बनाते हैं, लोगों के साथ मिलकर ग्राम सभा का अनुभव लेते हैं वो लोगों के साथ मिलके, और वहाँ पे क्या क्या एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के, उस पर काम करते हैं। और पिछले साल भर में हमने उनको कहा था कि जो हमारे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना जा रहा है, तो उसमें से हम 75 टेक्नोलॉजी ऐसी सेलेक्ट करेंगे जो वास्तव में जमीन पे हमारी इम्पैक्ट हो रही हो। शिक्षा मंत्रालय द्वारा उन्नत भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। अब तक 3,471 उच्च शिक्षण संस्थान इस अभियान से जुड़ चुके हैं, जो देश के 17,500 से अधिक गाँव में काम कर रहे हैं। आईआईटी, एनआईटी, आईसर, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थानों के अलावा केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय और कई सरकारी और निजी कॉलेज भी इस अभियान से जुड़ चुके हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली।